नमस्कार दोस्तों, माउंटेन लेपर्ड महिंद्रा की यात्रा ब्लॉग में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों चूंकि आज महाजन्माष्टमी का दिन है तो रात के 11:50 होने जा रहा है दोस्तों, और हम सभी लोग पूजा कर की तैयारी में लगे हुए हैं दोस्तों। तो आज हम सभी भगवान कृष्ण के जन्म दिवस मनाने के लिए तैयार हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, चलते हैं पूजा रूम में दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी जन्माष्टमी, राधे राधे। तो दोस्तों पूजा के रूम में हम पहुंच गए हैं हम लोग, और पूजा की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है दोस्तों। भगवान कृष्ण की जन्म दिवस मनाते हुए, और दोस्तों देखिए कितनी प्यारी झूला है जिसे हम लोगों ने आज ही खरीद के लाया है दोस्तों। और ये दोस्तों देखिए भगवान कृष्ण बाल गोपाल हमारे, राधे राधे दोस्तों, उनको तैयारी करने तैयार किया जा रहा है दोस्तों। देखिए उनके कपड़ों को निकाला जा रहा है दोस्तों, और ये झूला पे लगाने वाला भगवान कृष्ण का बेड है दोस्तों। छोटे छोटे तकिया और चादर को झूले पे लगाया जा रहा है कृष्णा नंदिनी के द्वारा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों किस तरह से झूले को सजाया जा रहा है, तकिया और चादर लगाया जा रहा है दोस्तों, बहुत ही सुंदर तरीके से। और भगवान अपने झूले पे थोड़ी देर में विराजमान होंगे दोस्तों, 12:05 बाकी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों भगवान कृष्ण की नई कपड़े दोस्तों, और उनका मुकुट, और ये पंचामृत दोस्तों जिसे तैयार किया गया है भगवान को स्नान कराने के लिए। बाल गोपाल थोड़ी देर में ही अवतरित होंगे दोस्तों, 12:02 बचे हुए हैं दोस्तों। और भगवान कृष्ण की बहुत ही सुंदर सलोनी कपड़े दोस्तों, जिसे हमने आज मार्केट से खरीदा है। और ये देखिए दोस्तों भगवान कृष्ण अब कुछ ही क्षणों में अवतरित होने वाले हैं दोस्तों, उनको स्नान करने की तैयारी की जा रही है दोस्तों। भगवान को क्षीर सागर में स्नान कराया जाएगा दोस्तों, और देखिए दोस्तों भगवान को रखा गया है जल पात्र में दोस्तों, पीतल के पात्र में, जिसे भगवान को स्नान कराया जाएगा इसी पात्र में दोस्तों। और कुछ ही क्षण में भगवान अवतरित हो चुके हैं दोस्तों। देखिए भगवान को स्नान कराया जा रहा है गंगा जल से। भगवान बाल गोपाल ने धरती पर अवतरण ले लिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों दूध से भगवान को स्नान कराया जा रहा है, बहुत ही सुंदर नजारा दोस्तों। भगवान बाल गोपाल प्रभु को दही से स्नान कराया जा रहा है दोस्तों। बाल गोपाल क्षीर सागर में स्नान कराया जा रहा है बाल गोपाल को दोस्तों। देखिए किस तरह से भगवान मुस्कुरा रहे हैं, और हम सभी मनुष्यों को आशीर्वाद दे रहे हैं दोस्तों। भगवान को स्नान कराया जा रहा है जल से दोस्तों, गंगा जल से दोस्तों, और बहुत ही सुंदर नजारा दोस्तों। भगवान इस समय क्षीर सागर में है दोस्तों। सभी लोग स्नान करा रहे हैं दोस्तों भगवान को, बाल गोपाल को। जय कन्हैया लाल की, मदना गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण विश्व का कल्याण करें। बाल गोपाल देखिए दोस्तों, बाल गोपाल को स्नान करा दिया गया है। अब बाल गोपाल को पूछा जा रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों किस तरह से बाल गोपाल को नहाकर सजाया जा रहा है दोस्तों। अब बाल गोपाल अपने पालकी में विराजमान हो गए हैं दोस्तों, अब उनकी आरती की जा रही है दोस्तों। बाल गोपाल नटखट कन्हैया
और न जाने कितने नामों से जाने जाते हैं हमारे प्रभु कन्हैया लाल बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया नंद के लाला। देखो दोस्तों भगवान ब्रिजवासी विराजमान हो गए हैं, यमुना तीरे वाले बाल गोपाल। जय कन्हैया लाल की। दोस्तों बहुत ही सुंदर चढ़ रहा है, बाल गोपाल को भोग लगाया जा रहा है। दोस्तों बाल गोपाल को माखन खिलाया जा रहा है। दोस्तों विश्व का कल्याण करें। हरे कृष्णा राधे 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 राधे। बाल गोपाल बहुत ही सुंदर, और बाल गोपाल हमारे नटखट कन्हैया को लड्डू खिलाया जा रहा है। दोस्तों बाल गोपाल और पेड़ा भी खिलाया जा रहा है। दोस्तों बाल गोपाल को बाल गोपाल हलवा खाते हुए बाल विश्व का कल्याण करे। दोस्तों बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षित करने वाले बाल गोपाल, मानव जन का कल्याण करने वाले बाल गोपाल हमारे कंस जैसे अत्याचारी राक्षस से धरती को और मनुष्यों को मुक्ति दिलाने वाले बाल गोपाल अपने चमत्कारी रूप में कलयुग में भी विराजमान हैं। दोस्तों भक्तगण अगर भगवान से सच्चे मन से कुछ भी मांगते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों आज के युग में प्रभु के शरण में ही रहना मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। दोस्तों आरती की तैयारी चल रही है। दोस्तों और यह तिलक लगाते हुए देखिए बच्चे मन के सच्चे कृष्णानंदनी भी पूजा में शामिल है। दोस्तों और ये देखिए दोस्तों भगवान की आरती की जा रही है। दोस्तों भगवान अपने बाल्य अवस्था में धरती पर पुनः अवतरित लेंगे। दोस्तों कल्कि महाराज के रूप में और आज के दौर में जो शैतानी शक्तियाँ पूरे धरती पर हावी हो गई है दोस्तों उनका संहार करेंगे प्रभु श्री हरि भगवान विष्णु। द्वापर युग की तरह कलयुग में भी भगवान श्रीहरि बाल्यावस्था में भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। दोस्तों और जितनी भी अत्याचारी शक्तियाँ कलयुग में अत्याचार मचा रही है दोस्तों उनका संहार करेंगे। दोस्तों और जल्द ही मानव जाति को उन राक्षसों से मुक्ति दिलाएंगे। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण बहुत ही जल्द हम मनुष्यों के बीच अवतरित लेंगे। दोस्तों इसलिए भक्ति मार्ग को ना छोड़ें दोस्तों, और भगवान श्री प्रभु श्री हरि के बाल्य अवस्था भगवान कृष्ण के रूप में जब द्वापर युग में अवतरित हुए थे दोस्तों तो उस समय भी मनुष्य जाति अत्याचारी राक्षसों से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। दोस्तों तब भगवान बाल गोपाल कृष्ण ने मनुष्यों को उन अत्याचारी राक्षसों से मुक्ति दिलाई थी। दोस्तों इसलिए भगवान बाल गोपाल हर समय हर क्षण हर जगह मौजूद हैं। दोस्तों सिर्फ सच्चे मन से भक्ति करने की ज़रूरत है। दोस्तों चाहे आप वह किसी भी रूप में क्यों नहीं कर रहे हैं, दोस्तों भगवान बाल गोपाल हमारे प्रभु
कृष्ण गोपाल, लड्डू गोपाल अपने सौम्य अवस्था में लोगों का कल्याण ही करते हैं दोस्तों। बाल गोपाल प्रभु जन्म ले चुके हैं दोस्तों। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आप सभी श्रद्धालु गणों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जन्माष्टमी की। दोस्तों आरती चालू है दोस्तों और लोग पूरे भारतवर्ष पूरे विश्व संसार में दोस्तों आज के दिन कृष्णा जन्माष्टमी के दिन उनके भक्तगण भगवान की भक्ति में लीन है दोस्तों। और दोस्तों जल्द ही भगवान अवतरित लेकर उन अत्याचारी राक्षसों से शैतानों से धरती को मुक्त करेंगे दोस्तों और मनुष्य जाति का कल्याण होगा दोस्तों। अपने भक्ति भाव से भगवान को हमेशा प्रश्न रखें दोस्तों। बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की, मदेना गोपाल की, जमुना तीरे वाले बाल गोपाल की नटखट खेलों से नंदवासियों को आनंदित करते थे दोस्तों द्वापर युग में। और आज के कलयुग में भी बाल गोपाल बच्चों के सबसे प्रिय भगवान, ये देखिए दोस्तों झूला झूलाते हुए भगवान का, भगवान प्रसन्न नजर आ रहे हैं दोस्तों। आरती भी जारी है दोस्तों। और दोस्तों भगवान कृष्ण हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल भगवान भोले को प्रिय दोस्तों। जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था तब बाबा भोलेनाथ भंडारी माता पार्वती के साथ उनके दर्शन को गए थे दोस्तों नंद बाबा के द्वार पे। और आज फिर से बाल गोपाल की जन्म दिवस को मनाते हुए श्रद्धालु गण जय हो प्रभु जय हो भोलेनाथ भंडारी कृष्ण भगवान की। धन्यवाद दोस्तों, पूजा समाप्त हो चुकी है दोस्तों। भगवान बाल गोपाल धरती पर अवतरित ले चुके हैं दोस्तों। जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक अभिनंदन दोस्तों। और इस समय प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है दोस्तों। सर्वप्रथम चना अमृत वितरित की जाएगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब तो जरूर ही करें दोस्तों, सपोर्ट करें दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों और नए नए वीडियो के साथ मेरी ये यात्रा जारी रहेगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, हर हर महादेव।